बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के धीरज कुमार गुप्ता ने कमाल कर दिखाया है। धीरज ने पहली बार भोजपुरी भाषा में शोध लिखकर नया रिकॉर्ड कायम किया है। धीरज ने तमाम मुश्किलों के बाद भी ये उपलब्धि अपने नाम की है। धीरज के शोध पत्र की चर्चा अब पूरे BHU में है। उनके शोध के बाद अब उन्हें इसकी उपाधि भी मिल गई है। बताते चले कि धीरज BHU के भोजपुरी अध्ययन केंद्र के रिसर्च स्कॉलर थे। धीरज ने बताया कि रिसर्च के दौरान उन्होंने केंद्र में उस वक्त के तत्कालीन समन्वयक से इसकी प्रेरणा मिली और उसके बाद उन्होंने इस चुनौती को स्वीकार किया। शोध लिखने में करीब हमको 6.5 साल लग गए, जमा करने में बीच में कोरोना समय भी था 2 साल, और इसकी प्रेरणा मुझे तत्कालीन समन्वयक प्रोफेसर सदानंद साई से लगी। मैं हिंदी में शोध लिख रहा था, एक दिन उन्होंने ऐसे ही बातचीत में कहा कि भोजपुरी अध्ययन केंद्र से भोजपुरी में कोई शोध नहीं लिखेगा क्या, तो तुरंत मैंने हामी भरी कि सर मैं ही अपनी शोध अब मैं हिंदी से बदल के भोजपुरी में लिखना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि इसके लिए आप यूनिवर्सिटी से परमिशन ले लीजिए, क्योंकि भोजपुरी 8वीं अनुसूची में नहीं है, इसलिए यूनिवर्सिटी से इसकी परमिशन ली गई कि भोजपुरी में मैं अपना शोध जमा करना चाहता हूँ, और विश्वविद्यालय ने मुझे यह परमिशन प्रदान भी कर दी। उसके बाद मैं भोजपुरी में अपना शोध लिखने लगा। भोजपुरी अध्ययन केंद्र से अभी तक 16 PhD जमा हुई है, इसमें जो 16वां PhD मेरी है, जो 15 PhD है वो इंग्लिश या हिंदी में जमा हुई है। और मैं केंद्रीय विश्वविद्यालय में देख रहा था या राज्य विश्वविद्यालय जहाँ भोजपुरी के कोर्स चल रही है, सारे PhD हिंदी में ही लिखे जा रहे थे, तो मैंने कहा कि क्यों ना मैं भोजपुरी में ही लिखूँ। उस समय मेरे दिमाग में आया तो एक तरह से एक नया काम होगा और आगे आने वाले जो शोधार्थी होंगे उनको एक प्रेरणा मिलेगी कि भोजपुरी में भी लिखा जा सकता है। बताते चले कि देश के तमाम विश्वविद्यालय में भोजपुरी अध्ययन केंद्र है, लेकिन इन केंद्रों में भी रिसर्च करने वाले रिसर्चर अपना शोध लिखने के लिए हिंदी या फिर अंग्रेजी भाषा का चयन करते हैं, लेकिन भोजपुरी भाषा में शोध पत्र लिखने वाले धीरज देश के पहले शख्स हैं। हाँ, जहाँ तक मेरी जानकारी है कि केंद्रीय विश्वविद्यालयों में अगर देखा जाए तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय के भोजपुरी अध्ययन केंद्र में यह पहला शोध प्रबंध है, और मुझे उम्मीद है कि इसकी प्रेरणा से आगे भी लोग इस काम करें। देखिए, उसका कारण यह है, कविता कहानी लिख लेना भी थोड़ा सा आसान होता है भोजपुरी में, लेकिन कोई गंभीर काम और सैद्धांतिक कार्य को करना हो या कभी कभी भाषण ही देना हो किसी को, तो शायद भोजपुरी में 10 लाइन बोलने के बाद फिर 11वें लाइन में आदमी अटक सकता है।